तक हम ना काटने बैठे तब तक तीनू ने कह दिया मम्मा पॉटी आई है। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ नीलम और आज की वीडियो होने वाली है एक व्लॉग। तो स्पेशल ये है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आज हमारी मैरिज पूरी 6 साल पूरे हो चुके हैं और तो बस मैंने यही सोचा कि एज ए मेमोरी मैं इसे रिकॉर्ड करके रखूं तो बस एज ए मेमोरी मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहती थी और आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती थी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ, पर मैं सुबह सुबह आ गई हूँ थोड़ा किचन में कि क्या बनाना है आज मॉर्निंग। तो देखती हूँ आपके साथ अगर टाइम ले तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये है, इसमें सूजी और दही को मिक्स करके मैंने 5 to 10 मिनट इसको रेस्ट देना है। ठीक है, तो रेस्ट देंगे थोड़ा ये वेजिटेबल करके, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो लहसुन प्याज अदरक ये कुछ नहीं डालूंगी, तो जो थोड़ा कलरफुल और अच्छा लगे तो बस वही टेस्ट में आप भी डाल सकते हो। बॉयल हल्का, हालात अभी कुछ ऐसा है देख सकते हो, ये घर की हालत है ये देखो, अभी क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है तो तब तक थोड़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ जब तक कि हमारा बैटर थोड़ा सोप ना हो जाए। ठीक है, और तब तक मेरी क्लीनिंग हो जाएगी और बस शिवाई को दिखाती हूँ शिवाई क्या कर रहा है। एक बार पहले दूध का फ्लेम कम कर लेते हैं, दूध का फ्लेम कम कर लेते हैं, अदरवाइज दूध गिर जाएगा तो इससे पता चलता है ये बच्चों का घर है ना। अपने खिलौने रखो फटाफट। शिवाई गुड बॉय है ना? नहीं, बैड बॉय है। खिलौने रखो फटाफट, तो संभाल के मेरे फिर अपने खिलौने। तो चलो गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग कर लूँ और सब सफाई हो जाए तो अच्छा रहता है, आपको भी घर साफ सब अच्छा लगता है। ठीक है, तो सुबह के भी जस्ट बज रहे हैं 7:30। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और बताओ क्या बोल रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? अच्छे हो? ओके, टेक केयर। तो ये मैंने इस पेस्ट में जो है अभी जीरा डाला है और थोड़ा सा नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये देखो इस वाली कंसिस्टेंसी में मैं इसको इसमें डालूंगी। ठीक है, मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। शिवाय गुड बॉय है ना? बताओ मैं गुड बॉय हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ मिक्स वेज और दिन का खाना एकदम प्लेन है, सिंपल पालक की दाल और राइस। राइस मैंने अपने सूप को निकले रख दिया। आज का है सिंपल सा फटाफट, ताकि हम लोग अभी फिर और भी काम कर पाए। ये देखो
लिखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ हाथ देखो, इसके हैंड देखो कितने गंदे हैं। ये लटें सुलझाती हुई लाइट्स, इसे ना फेरी लाइट्स कहते हैं। कर्टन तो मैंने सोचा ये अभी भी यूज हो जाएगा और दिवाली के टाइम पे भी यूज हो सकता है। तो अभी डील भी चल रही थी अमेजोन पे, तो अच्छा खासा भी मिल गया। 300 बल्ब है इसमें और 9.8 फीट का है ऐसे हाइट में। शादी की है ना, और ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की फोटो है। ये जब मैं बैंगलोर में मेरा पहला करवा चौथ था, ये तब की है। इसमें ये सेकंड करवा चौथ की है ये, और ये भी जब मैं बैंगलोर फर्स्ट टाइम आई थी ये तब की है। और ये हमारी 2017 और ये मेरी कॉलेज डेज की फोटोज है। तो मैं आपको एक नाइट व्यू पूरा देती हूँ कि नाइट में किस तरीके से लग रहा है। तो फाइनली गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे गुब्बारे निकल चुके हैं जो कि नीचे हैं, और अभी जस्ट पार्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं, वेज पार्टी। और हमारा छोटू सा, देखो ये हमारा चीफ गेस्ट बोलते हैं ना, ये वो है हमारा कम चीफ गेस्ट। देखो चीफ गेस्ट टूट पड़ा है यहाँ, ये देखो चिप्स पे। तो बस सनसेट केक के साथ एक ब्लेंडर हो चुका है। वो ब्लेंडर क्या है, एक तो जिस टाइम पे केक को डिलीवर होना था वो उस टाइम पे आया नहीं, ठीक है। और जो है और जब आया शाम के 6:30 बजे, तो क्या हो गया, हमने उसे फ्रिज में रखना चाहा कि ठीक है सिस्टम कट करेंगे, तो वो रखता रहे नीचे गिर गया। तो उसमें जो मिस्टर है मिसेस कलेट है, तो मिसेस कलेट का उसमें तहस नहस हो चुकी है। ओनली मिस्टर बचाया उसमें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। तो ये कुछ ऐसा रहा, केवल फ्लावर बचे हैं और ये कुछ ऐसा हो गया। चले कोई नहीं, ऐसे छोटे छोटे बातें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। और ये देखो इसका क्या हाल। हाँ वो देखो, वो छुपा रखा था, देखो अपना निकाल दिया सारे चिप्स खा चुका है।
जब तक हम ना काटने बैठे तब तक तीरू ने कह दिया मम्मा पॉटी आई है। कुछ क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाले 4 साल बाद वाले नीलम और कली ठाकुर? नीलम मोटो ना मोटे मोटे हो गए, बस पतले होना है। अच्छा आज से 3 साल बाद जब शिवाय 5 साल का हो जाएगा तब वाले को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो हम कैसे होंगे? तो बस पतले पतले मोटे मोटे नहीं होंगे। हेलो नीलम, हेलो दीपक, कैसे हो? हाय शिवाय, हाउ आर यू? अभी के वाले शिवाय को ये ज्यादा पसंद है। तो खाने में क्या है स्पेशल? मिक्स वेज। हमने बहुत सिंपल सा रखा क्योंकि और ये साथ में है रबड़ी। ये हमारा शेर कुछ करने नहीं देता। ये साथ में रबड़ी है, इसकी मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर करी है तो आप देख सकते हैं। ये मिक्स वेज मैंने बनाया, सिंपल चपाती, बस यही स्पेशल है और अभी स्पेशल है। थैंक्स इट। हे बन बेटा, आप बताओ। बताओ ना। अच्छा शिवाय आ जाओ, पक्का ढाबा खोलेंगे तो ये रेसिपी डालेंगे। ये देखो इसको, इसने देखो क्या कर दिया। Thank you.